गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी होप यू ऑल आर फाइन। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, पोएम नंबर 6, अमांडा मीन ए स्कूल गोइंग गर्ल, अबाउट 10 और 11 ईयर्स की, 10-11 साल की बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही है। आज के टाइम में तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस पढ़ते हैं, तो 3rd क्लास या 4th क्लास की ये बच्ची होगी, उसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है। रोबिन केलियन, पोइट नेम लर्न करने के लिए अमांडा रोकले, यानी कि बच्चों को लगभग लगभग बड़े घर में रोकते हैं। अभी तो चलो एक ये विपता है इसके कारण, अदरवाइज़ बच्चों को इस उम्र में सबसे अच्छी चीज़ और खुशी बाहर दोस्तों के साथ खेलना, उछल कूद करना, मस्ती करना, ये बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर बड़े हिदायतें देते रहते हैं, तो 10-11 साल का जो बच्चा है, हर एक बच्चा, आप भी बचपन में, हम भी बचपन में, उसके क्या विचार हो सकते हैं माता पिता टीचर्स के द्वारा डांटने पे, बड़ों के द्वारा कहने पर, उसके मन में कई सवाल उठते हैं। बड़ी उन विचारों को बड़े ही अच्छे तरीके से कवि ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार के विचार उठते हैं। लेट अस स्टार्ट स्टेंजाज। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, एंड देन एक्सप्लेनेशन मार्क कि अमांडा डोंट स्टार्ट विद इम्परेटिव सेंटेंस, कि अमांडा डायरेक्ट ऑर्डर है ये कि अपने नाखून है वो मत कुतरो। बाइट मीन काटना होता है, लेकिन यहाँ कुतरना, और कुतरने का मतलब नेल कटर से नहीं, बल्कि बहुत से बच्चों की आदत होती है वो अपने नाखून दांतों से कुतरते हैं। अनेक प्रकार की आदतें होती है, कोई कॉलर को मुंह में लिए रखता है, कोई बटन है उसको घुमा घुमा के तोड़ देते हैं, मम्मियाँ परेशान हो जाती है, तो अनेक प्रकार की इस तरह की बातें बच्चों की हैं। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, डोंट हंच नेगेटिव, गाँव में या हमारे भारत के अंदर अपने कंधों के द्वारा ऊपर नीचे करना, यदि कोई काम ना करना हो ना तो कंधे दोनों ऊपर करते हैं, जिसका आंसर होता है अंडरस्टूड नेगेटिव, यानी बिना बोले। शोल्डर्स, अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्लोचिंग होता है कि टेढ़ा मेढ़ा बैठना, हमारे बैठने की प्रक्रिया जिस तरह खाना वाना खाते हैं और बैठें तो बिल्कुल पलाथी मार के बैठते हैं, लेकिन इसने दोनों पैर ऊपर किए हुए और टेढ़ी बैठी है, इसलिए उसे कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लोचिंग, ये टेढ़ा बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है सीधा, पलाथी मार के सही तरीके से बैलेंस बनाकर बैठो अमांडा। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बातें किसने कही है, आगे आपको पता लग जाएगा। देर इज ए लैंगाइट, लैंगाइट होता है शांत, क्वाइट, पीसफुल, इस वर्ड का इजी बना ले आप, पीसफुल एम्ब्राल्ड सी। अब ये यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, इसका मतलब ये किसी के द्वारा वर्ड बोले नहीं गए हैं, बल्कि अमांडा के द्वारा अपने मन में इस प्रकार के विचार आए हैं, जिसको हम डे ड्रीम कहते हैं, इमेजन्स, कल्पनाएं हैं, क्या सोच रही है वो। देर इज ए लैंगोर्ड एम्ब्राल्ड सी, कि यहाँ तो एक हरा भरा समुंदर है, शांत समुंदर है, इसका मतलब वो समुंदर के किनारे रह रही है अमांडा। वेहर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वेहर द सोल, सोल होता एकमात्र, अकेली, अलोन, इनहैबिटेंट, निवासी, इज मी, मी फॉर अमांडा, कहता है कि यहाँ तो एक हरा भरा समुंदर है, शांत समुंदर है, और उसकी मैं एकमात्र निवासी हूँ, यानी उस समुद्र के अंदर मैं निवास कर रही हूँ। ए मरमेट, मरमेट होता है समुद्र में जैसे मछली, और इसको कहते हैं जलपरी, कविताएं भी बनी हुई है जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मूविंग, आहिस्ता आहिस्ता चलना,
आपने समुंदर के पानी में, नहर के पानी में कई बार देखा होगा कि मछलियाँ ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, बड़ी मस्ती करती है, बड़ी अच्छा लगता है, ब्लिसफुली होता है खुशी से। और खुशी से आहिस्ता आहिस्ता मूविंग, मतलब ऊपर नीचे आ रही है। कहने का तात्पर्य कि उसने मन में जब ये कहा गया तो उसने कहा कि मैं तो एक समुद्र की एकमात्र निवासी हूँ, मैं जलपरी हूँ, अपनी मस्ती से ऊपर और नीचे आती हूँ, अर्थात मुझे टोके ना। अमांडा कहता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अब आपको क्लियर पता चल गया कि ये कौन बोल रहा है, कि क्या आपने अमांडा अपना होमवर्क कर लिया है क्या? नेचुरल बात है कि ये कौन कहेगा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी मीन थोड़ी सजावट, क्लीन भी कह सकते हैं, साफ। और क्या तुमने अपना पढ़ने वाला कमरा, आजकल मोस्टली स्टडी रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, बैठक बोल देते हैं, जालमीरा वगैरह वगैरह हम बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, तो कहा गया उसे कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है, उसको सजा दिया, अर्थात बुक्स वगैरह वगैरह, शूज वगैरह वगैरह, सॉक्स वगैरह वगैरह ठीक आपने रख दिए? आई थॉट, मैंने सोचा। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये अमांडा को कौन कह रहा है, होम मिनिस्टर ऑफ द होम, घर का गृह मंत्री। और घर का गृह मंत्री कौन होता है? आपकी मम्मी, यानी अमांडा की मम्मी। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मेरे विचार से मैंने, कल यूनिफॉर्म डे है आपका, तो मैंने आपको शूज को साफ करने के लिए भी कहा था कि पॉलिश कर ले, वो ख़राब हैं, गंदे हैं। अमांडा, तो ये अंडरस्टूड है, मोम के द्वारा बोला गया अमांडा को कि अपना होमवर्क कर लें, अपने रूम की बुक्स वगैरह वगैरह है, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको ठीक प्रकार से सजा दें और अपने शूज भी साफ कर लें। अब क्या सोचती है? अब अमांडा के मन में आया कि आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन होता है अनाथ, जिसके माता पिता गुजर गए हों, और ख़ास तौर पे वो अनाथ बच्चे जिनके रिश्तेदार भी शायद बहुत दूर रहते हों, ना के बराबर हों, बहुत गरीब हों, तो वो अनाथ होता है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, अपने मन में कहती है मैं तो अनाथ हूँ, रोमिंग और गलियों में घूमने वाली हूँ, रोमिंग का मतलब बिना वजह गलियों में घूमना। और आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे सुबह सुबह आपको गलियों में, शहरों में घूमते हुए मिलेंगे, कागज़ उठाने वाले, गंदगी के ढेर से कुछ उठाने वाले, और अपने बाजू में एक जैसे खाद का कट्टा होता है इस प्रकार की पल्ली डाले हुए, और जिसको आप लोग या हम अपनी भाषा में कूचिया जैसा वर्ड यूज़ करते हैं कि वो स्कूल के बारे में नहीं जानते। तो ये गुड़िया जब स्कूल आ रही थी तो उसने इस प्रकार के बच्चे देखे जिनके बैग नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये बहुत खुशी है, ये बहुत प्रसन्न है। आई पैटर्न, पैटर्न में निशान बनाना, चित्र बनाना। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मुलायम, डस्ट मीन रेत। अभी तो गलियां पक्की है लेकिन किसी गांव के दृश्य को कभी कह रहा है कि रेत के ऊपर चलते हैं तो वो नमूने बनाते हैं। विद माई हस्ट बेयर फीट, हस्ट शांत, बड़े शांति से, बेयर फीट आ गया कि नंगे पांव, नंगे पांव से बड़ी शांति से मैं जमीन के ऊपर, रेत के ऊपर कुछ नमूने बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस चुप्पी होती है, चुप्पी बहुत ही सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी मीठी है। एंड लास्ट थ्री लाइन्स क्लोज विद, आपने देखा ब्रैक्ट्स के अंदर, ये फिर उसके मन के विचार हैं, मन में इस प्रकार सोच रही है कि काश मैं अनाथ होती, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, सुबह सुबह वैन में बैठने आती हूँ तो वो बच्चे मुझे गलियों में बड़ी मस्ती से घूमते मिलते हैं। लेकिन हकीकत अमांडा को पता नहीं कि उन लोगों का जीवन कैसा होता है। सौभाग्य से कि आप उस परिवार में जन्म लिया है, आप स्कूल में हैं, आपके माता पिता और परिवार आपका सब खुशियों से भरपूर है, लेकिन 10-11 साल का बच्चा ऐसा सोचता है कि उसकी टोका टाकी ना की। यानी ऐसा सभी प्रकार के बच्चे मन में सोचते हैं, माता पिता या बड़े थोड़ा बहुत काम के लिए कहते हैं।
और वो उनके अच्छे के लिए कहते हैं। तो थैंक यू, रेस्ट ऑफ पोएम हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।